भारत की रिपोर्ट कराने जाएंगे तो उल्टा हम पे ही उंगली उठेगी। क्या कर सकते हैं? ऐसे कैसे, क्यों नहीं कर सकते हम कुछ? क्यों नहीं है हमें कोई अधिकार? क्या तुम्हें मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं पता? मौलिक अधिकार ये क्या होता है मेम साहब? ये सब पढ़े लिखों की बातें हैं, हम ठहरे अनपढ़। तभी तो तुम्हें ये सब जानना जरूरी है। सरकार ने हमारे लिए बहुत से कानून बनाए हैं जिसमें हर किसी को अपनी हर बात कहने का पूरा अधिकार है, और जिसे जानना हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी भी है, जिसके तहत ना कोई भी नागरिक अत्याचार करे और ना ही सहन करे। सरकार ने हर किसी को समानता का अधिकार भी दिया है, जिसमें चाहे वो कोई भी लिंग हो या वर्ग हो या जाति हो, हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और इन सभी को समान भी रखा गया है। आपको अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है। आप ये भी फैसला कर सकते हैं कि आप क्या काम करना चाहते हैं और क्या नहीं। बाल श्रम, बंधुआ मजदूर, ये सब गैर कानूनी है। आप पर हो रहे शोषण को रोकने का आपको पूरा अधिकार है, चाहे वो आपके घर में हो रहा हो या घर के बाहर। आपको अपने विचार रखने की पूरी आज़ादी है, कहीं भी आने जाने की पूरी आज़ादी है, कोई भी शिक्षा ग्रहण करने की पूरी आज़ादी है, आपको अपनी मर्जी से अपना धन चुनने की पूरी आज़ादी है, आपकी संपत्ति आपकी अपनी है, कोई भी इंसान आपकी इच्छा के बिना आपकी संपत्ति पर अपना हक नहीं जता सकता, क्योंकि ये गैर कानूनी है, और यदि कोई भी ऐसा करता है तो सरकार द्वारा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सिर्फ अपने अधिकारों को जानना ही सब कुछ नहीं होता, इन पर अमल करना भी जरूरी है, और ये तो गीता में भी कहा गया है कि अन्याय करना ही नहीं सहन करना भी पाप है। मैं आप सभी से ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने मौलिक अधिकारों को पहचाने व अपना जीवन सुख और शांति से व्यतीत करें, साथ ही दूसरों को भी करने दें। देखा तुझे तो तसल्ली हुई, चल आखिर माँ को प्रोफाइल।